नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नागपुर से बैतूल जा रही बस खाई में गिरी, हादसे में बस चालक की मौत। नवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक, लोगों को समस्याओं से कराया गया अवगत। 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां तड़के सुबह इंदौर से नागपुर जा रही बस बैतूल इलाके के पास पलटकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें बस चालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि स्टार ट्रेवल्स एजेंसी की बस सुबह बैतूल पहुंची थी, जहां बस चालक को नींद आने लगी, जिसके बाद उसने 55 वर्षीय बुजुर्ग के हाथ में बस की स्टेयरिंग थमा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग चालक पहले से ही बीमार चल रहा था, उसके बावजूद भी उसे बस चलाने को दे दिया गया। हालांकि बस पलटने के बाद बुजुर्ग चालक ने अपने आप को संभालते हुए यात्रियों को निकालने में मदद की, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, जहां सेम फ्री राजगढ़ यानी कुपोषण से मुक्त राजगढ़ नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनके पोषित होने तक देखरेख करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर निवेदिता ने भी 2 साल की बच्ची को गोद लिया है। कुपोषण से इलाके को मुक्त कराने का संकल्प लेते हुए कलेक्टर निवेदिता ने कहा कि नई पहल से कुपोषित से जिले को शीघ्र ही मुक्त किया जा सकेगा। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ में 375 सैम श्रेणी के बच्चे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर रूप से कुपोषित माने जाते हैं। इन बच्चों में से सभी 50-50 जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक के द्वारा, 34 पुलिस अधिकारियों के द्वारा और कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा, जजेस के द्वारा और अन्य समाज के बहुत सेवकों द्वारा और साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इन्हें गोद लिया गया और इनको होम बेस्ड केयर के माध्यम से, यानी कि घर में रहते हुए ही बिना NRC के, जो लोग, क्योंकि ये मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है, इनको कोई इन्फेक्शन नहीं है और ये सामान्य तरीके से जो भी घर में बैठ के खाया जाता है वो खा रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, अन्य किसी कारण से इनमें कुपोषण व्याप्त हो गया है, तो उनको इस श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ये प्रयास इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति एक बच्चे को गोद लेकर से कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां लेबर नया गांव हाईवे पर तड़के सुबह एक पिकअप वाहन पलटने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी यात्री ढोढर गांव में मजदूरी के लिए जा रहे थे, तभी अचानक बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप गड्ढे की वजह से असंतुलित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के देवरी कला की, जहां बुधवार को आगामी नवरात्रि को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान इलाके के लोगों को होने वाली सभी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से आवारा पशुओं और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के सुझाव दिए गए, साथ ही स्ट्रीट लाइट को भी सुधारने की बात कही गई। इस दौरान नगरपालिका के CMO CP राय ने नगर की स्ट्रीट लाइट पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की के ही क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने उसकी फोटो दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी देता था। इस दौरान उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने की डर से पीड़िता आरोपी की हर डिमांड को पूरी करती गई। बार बार बलात्कार की शिकार पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी और आखिरकार उसने आप बीती अपने परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर बलात्कार और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। उधर घटना से गुस्साए ABBP कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल एक ऐसा प्रकरण पुलिस के सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है, जिसके साथ में उसी की क्लासमेट्स जो दो लोग हैं, उन लोगों ने गलत काम किया और उसका फोटो खींचा है, जिसकी बेसिस पर वो उन्हें उसे
ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके बेसिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया और दोनों ही जो इसमें आरोपी हैं वो जाना चाहूँगा वो भी बालक जारी ही है और उनको पुलिस आज बाल्यालय प्रस्तुत करेगी। खबरों में बात मध्य प्रदेश के शाहपुर बैतूल की, जहां माता रानी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को खेड़ापति मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देवी गीतों और गाजे बाजे के साथ जत्थे को नाच गाकर रवाना किया। आपको बता दें कि अलग अलग इलाके के लगभग 250 श्रद्धालु इस जत्थे में शामिल हुए थे। इस दौरान बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि ये यात्रा पिछले 16 वर्षों से पैदल निकाली जाती है। बताया जाता है कि यात्रा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां एक युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीतामऊ का निवासी सज्जन लाल नामक युवक को बस स्टैंड पर रोककर अज्ञात आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसका अपहरण कर सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में डालकर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल कस्बा सीतामऊ के निवासी श्रीमती सुशीला जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराया थाने पर। उनका कहना था कि उनको कुछ अज्ञात लोग मारुति स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की गाड़ी के अंदर अपहरण करके ले गए हैं। उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरे जिले के अंदर नाकाबंदी करवाई गई, पूरा टीम बना करके सबको सक्रिय किया गया। ये जो अपहरण का जो केस है, इसमें नीतीश जैन के छोटा भाई है शैलेश, उनके द्वारा एक इंटरकास्ट मैरिज की गई है। उस को लेकर के लड़की पक्ष के अंदर जो नाराज़ी थी, उसी के वजह से ये घटना घटित होना सामने आया है। इसमें इसका अपहरण करने के बाद अपहर्ताओं ने उसे 1,00,000 रुपया लेने के लिए दबाव बनाया, उसके ऊपर वो उसकी मांग की, जिसको पुलिस ने पार्टियां बना करके उसकी घेराबंदी अपने क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर, पड़ोसी राजस्थान राज्य की सीमा से लगे हुए क्षेत्र के अंदर उनकी नाकेबंदी की गई, उनके लगातार उनका पीछा किया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।